नमस्कार, सुपर कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ आलू दम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 उबले हुए आलू, 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, 4 से 5 छोटे टमाटर कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा काली मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1/4 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करें। फिर साबुत जीरे और सौंफ का फोरन दें। फिर उसमें कटे हुए प्याज डालकर भुनेंगे। प्याज के भुन जाने पर इसमें कटे हुए टमाटर भी डालेंगे। और फिर थोड़ा नमक डालकर साथ में भुनें। थोड़ा पानी डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर पकने देंगे। फिर इसमें धनिया पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, जीरा काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी मिलाएंगे। थोड़ा नमक और ऐड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मिलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है। मसालों के अच्छी तरह भुन जाने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। और करीबन 5 से 7 मिनट तक ढककर पकने देंगे। तब तक उबले हुए आलू में फोर्क से इस तरह हम छेद कर लेंगे। अभी ग्रेवी में आलू डालेंगे और इसे पकने देंगे।
अंत में थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस तरह से आसान और लजीज आलूदम तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और भी रेसिपीज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।